जो है सबसे छोटा क्वेश्चन होता है, सबसे मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है. व्हाट एंड व्हाई इज द मेन थिंग. व्हाट भी बहुत आते हैं लेकिन व्हाई अगर मिल जाए तो मजा आ जाता है. तो मुझे क्या था कि मैं कबड्डी खेलता था और कबड्डी में अभी मेरा नाम होना शुरू हो गया था, काफी नाम, जो जहां तक प्लेयर को पहुंचते हुए काफी साल लगते हैं और मैं साल डेढ़ साल में वहां पहुंच गया था. और फिर मुझे अचानक लगा यार मुझे इतना फेम नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा चाहिए, है ना. ये तो कबड्डी खेलूंगा और एवरीवन अंडरस्टैंड हिंदी राइट. सो अगर कबड्डी खेलूंगा ना तो सिर्फ कबड्डी जगत जो है वही, उन्हीं में मेरा नाम होगी, उन्हीं में शोहरत होगी. लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग बिगर देन दैट. एंड फिर ऐसे ही है ना, हम मैं और मेरा दोस्त जलंधर गए थे, है ना, खालसा कॉलेज पढ़ता था मैं. तो एक दिन ऐसी मस्ती में आई, मुझे भी प्ले बॉय लिखाया होता था मेरी बाइक पे, बुलेट पे, और मुझे प्ले बॉय का मतलब नहीं पता क्या, व्हाट डज इट मीन. सो ऐसी हमने बहुत सारी पर्चियों पे नाम लिख लिए, नाम लिख लिए. और लड़कियों को आज देखते हैं कितनी लड़कियों को नंबर देते हैं, है ना. और नंबर देने शुरू किए तो काफी नंबर दिए मैं. और बाद में मैंने ऐसी ना कॉन्टेस्ट देखा DD1 पे, और उसमें लगा मैं कि यार ये लड़के जो है मतलब इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, ये मॉडल बने रहते हैं. और फिर मैंने जो मेरा दोस्त था उससे बात की ना, यार कितने लड़के होंगे जो इतने नंबर सर्कुलेट करते होंगे या इतने फ्रीली घूम पाते होंगे. मैं कहा मुझे तो अब हमारे अलावा कोई नहीं, मैं पूरे एरिया में कोई नहीं है. That means we have something, you know. So I had recognized that, and up at that point of time I was 90 kg. You know, he said, you know, मैं कहा मॉडलिंग करते हैं. कहता अपने थोड़े देखे हैं कितने बड़े बड़े हैं, तो कैसे फिट आएंगे. मैं कहा यार वो क्या है, कर लेंगे छोटे, बड़े भी तो अभी ने किए हैं. तो बस शुरू हो गया जी. फिर मुझे डाइट का तो कुछ पता नहीं था, घर का खाना खाते थे, दूध पीते थे. और धीरे 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 फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया. मतलब जो बंदा कम से कम एक बाल्टी भर के खाना खाता होगा हर रोज, उसका खाना रहेगा एक कटोरी दाल बस. रोटी मुझे धक्के से खिला देते थे, नहीं तो मेरा आई थिंक इन 2-3 months आई वॉज 68 एंड श्रिंक कंप्लीटली. सो धीरे 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 सीढ़ियां मिलने लगी. मैंने म्यूजिक वीडियो किया और मुझे लगा कि नहीं यार ये है ना मेरी तरह के लोग नहीं है. अभी मुझे वो लड़की बाज थे, काफी कुछ था उसपे. तो मैंने सोचा यार नहीं यार ये काम में इनका ध्यान नहीं है, कहीं और ही है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. सो देन आई वेंट टू बॉम्बे. और बॉम्बे में जैसे ही मैंने पहला कदम रखा है, मुझे लगा दिस इज द यू नो ये धरती, ये स्पीड, ये मेरे लिए बनी है. जैसे ही मैंने स्टेशन से उतरा तो मेरी रफ्तार ऐसी थी कि मैंने उतरा और यू नो यू जस्ट, आपको पता ही नहीं चलता है कि किसी आप नए शहर में आए या नई स्पीड में आए, जस्ट यू मर्ज इट. एंड वो मेरी जितनी तेज लोग चल रहे थे, सब कुछ सब कुछ. और फिर धीरे 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 एंड बाद में पता चला वहां जाके, मैंने सोचा मैं मॉडलिंग करूंगा. अभी पता चला कि मॉडलिंग ही बहुत तरह की है वहां पर, प्रिंट है, कमर्शियल है, कैटलॉग है, फैशन है, यू नो एंड नंबर ऑफ इट. सो धीरे 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 फिगर आउट करते हुए, सबसे मुझे बड़ा चैलेंज था वहां टू लर्न इंग्लिश. सो इंग्लिश का मुझे यहाँ पर एक तरह से अपना नाम आता था बस लिखना ना पूरा. और मुझे इज का मतलब नहीं पता था, आई एम क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अक्षर जो आई हैव हैड नो क्लू. सो मैंने एक ट्यूशन रखी, इट वाज इन 2006. सो ट्यूशन रखी तो पहले मैंने वहां रखी थी एक क्लास में, है ना, यहाँ अंधेरी स्टेशन के पास. बट वहां मैं आई वॉज वेरी शाय एंड कुछ पल्ले नहीं पड़ा. तो मैंने मैं मैडम का नंबर ले लिया. मैं कहा मैम आप मुझे घर पे सिखा दिया करें या कहीं भी, है ना, मतलब प्राइवेटली. सो उन्होंने फिर
मेरे घर पे आना शुरू किया क्योंकि हमारा घर पास में था, तो ऑल्टरनेटिव डे आते थे 3 दिन हफ्ते में। अभी 15 दिनों के बाद जितने मेरे पास पैसे होते थे, ये था कि मैं आई वॉज नेवर सेविंग द मनी। जितना भी होता था ना, मैं आज भी अगर मुझे अपनी इंप्रूवमेंट के लिए पैसे लगाने हो तो मैं सारे लगा देता हूँ। उस वक्त भी जितने मेरे पास होते थे, मैं इंप्रूवमेंट क्लासेस के लिए या ग्रूमिंग के लिए किसी भी क्लास के लिए आई वॉज स्पेंडिंग इट। एजुकेशन इज नेवर बीन एक्सपेंसिव मी, कि जितना आप एजुकेटेड कर लेंगे अपने आप को उतना ही बढ़िया ही है। सो जी, मैं मैम को अभी हमारे काफी सारे घंटे हो गए थे, आई थिंक 24 घंटे समथिंग लाइक दैट, है ना, तो मुझे पैसे भी बढ़ रहे थे। 150 रुपया घंटे का लेते थे, लेकिन वो 150 या 250 रुपये मुझे। सो उस वक्त का 150 मतलब आज से 15-20 साल, अब का 3-3 हजार। सो चलो जी, उन्होंने टेस्ट दिया, कहते आज मैं जर्नलिस्ट हूं और तुम हो एक मॉडल, तो तुम्हारी इंटरव्यू लेते हैं। मैंने ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे मुझे याद नहीं, पर लास्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ नेक्स्ट ईयर। तो मैं बोल रहा हूँ कि आई सी माई सेल्फ सुपर मॉडल। शी सेड यू नो यू कांट से दैट बिकॉज इफ यू डोंट बिकम देन। आई सेड शी सेड आई विल रीफ्रेज माई क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ नेक्स्ट ईयर। I said, I see myself supermodel. She said, you can't say if you can't become, if you won't become, then you know it will be तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर से उसने क्वेश्चन किया, where do you see yourself? I said, I see myself supermodel. She says, you can't say. I said, I see, है ना, क्योंकि मुझे दिखता था वो, मुझे अभी दाढ़ी इतनी है, मुझे दाढ़ी दिखती थी, मेरे बाल दिखते थे, मेरी फोटोग्राफ दिखती थी, मुझे जो जो करना था मुझे, आई वॉज वॉचिंग इट, इट वॉज क्लियर। सो मैं एक चीज बोलता हूं अब बहुत ज्यादा है, कि वंस इज क्लियर इट अपियर्स। 24 घंटे नहीं लगते अगर आप क्लियर हैं कि आपको चाहिए क्या, इट जस्ट अपियर। सो ऐसी मतलब मैं बीच में बैठा हूं 2007, आई थिंक 2006 का, यानी 7 का दिसंबर महीना, 31 दिसंबर। सो मेरी बहन का फोन आता है, मैं स्विमिंग पूल में हूँ, फ्लोटिंग वाला होता है ना वो टायर सा, उसमें हूँ, और सिस्टर का फोन आता है, कहती है कि तुम्हारी इंटरव्यू छपी है। अभी गांव में इंग्लिश अखबार नहीं आता था, लेकिन वो संडे की संडे मंगवाती थी हिंदुस्तान टाइम्स। तो कहती इंटरव्यू है तुम्हारी, और मैं कहा क्या किस चीज की, कहती कि नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट सुपर मॉडल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। एंड मैंने उससे भी मुझे खुशी, मैं कहा यार लड़की कौन है ये बताओ, मैं कहा लड़की लीजा हेडन होनी चाहिए। तो क्योंकि लीजा हेडन ऐसा ना, कि हमने इकट्ठे उसमें किया था, और मैंने उस जैसे ही मैंने उसको देखा था ना, मैंने बोला था कि यार यू विल बी अ नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी हमारी। सो शी सेड यस इट इज लीजा हेडन। सो तो जूरी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो एक बंदा चूज करते हैं, लड़की चूज करते हैं। सो देन आई डिड वेरी वेल, एंड ये मेरी इंग्लिश का था। एक और इंसिडेंट था कि जैसे मतलब सच्ची में बहुत बड़ी दीवार थी यार ये। मैं लिंटास में चला गया मीटिंग के लिए, और मीटिंग में क्या हुआ कि मुझे ना बहुत लंबे टेबल पे बैठा लिया, और वो बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, कांच की दीवारें थी सारी, और वहां से समंदर देखे, और मैं देख के रहा यार बॉम्बे ऐसा भी दिखता है, नहीं तो मेरे लिए तो बॉम्बे था। ट्रेन ने बहुत सारी भीड़, महाड़ा, अंधेरी, है ना, कुछ भी नहीं था, समंदर तो कभी देखा ही नहीं था। वैसे जैसे मैं मीटिंग शुरू हुई, तो उस वक्त मुक्ता मुक्ता गॉड से मिस इंडिया बनी थी, ग्रेटेस्ट मिस इंडिया, एंड देयर इज पिया गर्ल, वन मोर गर्ल, एंड देन
there was a photographer, then there was Indra Jaisingh, who was hosting the meeting. She was from the Lintas team. At that point of time, it was the biggest production house of ad agency. And जब उसने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने बोला या उसने फिर से है ना लोगों से भी पूछते थे मुझसे भी पूछा तो मैंने बोला नो उसने फिर से कुछ पूछा मैंने बोला या उसने फिर से कुछ पूछा मैंने बोला नो सो उसने फिर से पूछा मैंने बोला या तो उसने बेसिकली करता क्या था कि मुझे किसी ने सिखाया था कि कुछ नहीं समझ आए तो तीन बार या बोलना है तीन बार नो बोलना है डजंट मैटर व्हाट दे सेइंग सो ऐसे करके मैंने मीटिंग अपनी कर ली और उन्होंने मुझे प्राइस बताया तो वो कहीं ना कहीं अभी मुझे समझ आ गया कि हाँ यार ये तो मेरी जितना मैं समझता था उससे काफी ऊंचा है ना मैंने बोला यस कि मैं शूट करूंगा पर इसके पीछे अगर मैं इसकी उस मीटिंग की कहानी सुनाऊं तो वो मुझे इंस्पायर करती है एक्चुअली हमेशा क्या था कि हमने जब मैंने फोलियो करवाया था तो फोलियो मेरा ना मुझे पता था कि यार ये काम का नहीं है ये मैंने पंजाब में करवाया हो बॉम्बे में फोलियो अलग से करवाना पड़ेगा पैसे नहीं थे सुधीर से रिक्वेस्ट की यार मुझे मैं तुझे मैक्सिमम 15 दिन में पैसे दे दूंगा तू फोलियो कर दे कहता 15 दिन में कहां से ले आएगा तू मैं कहा तू कर दे यार है ना हमने डिजाइनर किसी से कपड़े लिए है ना मिनते करके के यार दे दे कोई बात नहीं है ना जब आएंगे पैसे तो दे देंगे सो ऐसे स्टूडियो उसने हायर किया मेकअप उसने हायर किया ऑटो तक के पैसे उसने दिए सुधीर ने ठीक है हमने शूट किया दो घंटे बाहर 2 घंटे स्टूडियो उसी दिन मैंने प्रिंट जो कॉम कार्ड बना देते है ना जैसे हम जूम पे आ रही तो ऐसे 4 पिक्चरें लग जाती थी एक ही उस पे पेपर पे सो मैंने उसी दिन अपने कॉम कार्ड बनवाए और मैंने बोला कि यार सुबह कल कम से कम मुझे 5 या 10 कॉम कार्ड दे देना सो जैसे ही मुझे कॉम कार्ड मिलते हैं उसी वक्त मैं निकल जाता हूं टाउन जो वहां से 35 किलोमीटर होगा अंधेरी से जो बाद में मुझे 350 किलोमीटर लगता था टुवर्ड्स एंड ऑफ माई करियर ठीक है उस वक्त मुझे वो 3 किलोमीटर भी दूर नहीं लगता था मैं ट्रेन में चढ़ा कब लोगों को प्रोडक्शन हाउसेस में जितने कॉम कार्ड मिले थे मुझे मैं दे के आ गया और क्योंकि मैं देरी नहीं करता था किसी भी चीज में अगर करना है तो बस कर देना है सोचना नहीं है सुबह जैसे ही आज कॉम कार्ड दे के आता हूँ कल कॉल आ जाता है ना साथ ही में शूट फिक्स हो जाता है जैसे अभी सुधीर को मैंने किया था ना प्रॉमिस कि मैं 15 दिन में पैसे दे दूंगा तो उनका शूट फाइनल हो गया तो शूट हुआ एनीवे शूट पे मैं दबा सा हूँ कुचला सा हूँ कि यार मुझे इतनी बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं साथ में इतने बड़ा फोटोग्राफर है अंग्रेजी बोलते हैं इतना बड़ा स्टूडियो है क्योंकि मैंने उतना बड़ा स्टूडियो देखा था नहीं था कभी उतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं देखा था कभी सो पर इवेंचुअली मैंने फोटोग्राफर से झिझकते हुए पूछा यार मैं कहा मेरी गलती है कोई यार मुझे आप झिड़क नहीं रहे हो मुझे कुछ बोल नहीं रहे है ना मुग्धा को भी वो डांट रहा था दूसरी लड़की को भी डांट रहा था तो मैंने कहता नहीं यार तुम यू आर फिट एंड यू आर डूइंग फाइन है ना हिंदी में बोला उसने तो मैंने कहा ठीक है जी तो मैं खुश हो गया तो इवेंचुअली वो रोल क्या था कि डीओ था रेक्सोना डीओ के वो तभी है ना 2005-06 में रेक्सोना बहुत मशहूर होता था तो मुझे सिर्फ एक स्टड बन के खड़ना था जिसकी मेरे आर्मपिट से बदबू आ रही है और लड़कियां ऐसे नाक खस कर रही है आई वाज फिट फॉर द बिल और इवेंचुअली जब उन्होंने चेक काट के दिया शाम को तो मुझे एक्चुअली एक्स्ट्रा 2500 एक्स्ट्रा मिला उसमें जितने पैसे उन्होंने प्रॉमिस किए थे उससे एक्स्ट्रा दिए सो दैट वाज द बिगनिंग एंड आफ्टर दैट सो उसके बाद तो बहुत सारी स्टोरीज है तो जैसे जैसे मैं क्लियर होता गया एक रात को मैं क्लियर हुआ कि मुझे फैशन शोज करने हैं फैशन ही करना है उस रात मैं एकता कपूर के घर बैठा था और वो मुझे पूछ रही थी तुम्हें करना क्या
मैं कहा मुझे, कहती कि नाटक सीरियल करने हैं, फिल्म करनी है। मैं कहा नहीं यार, मुझे फैशन शो करने हैं, मुझे फैशन ही करना है। सो आई डिड दैट, एंड जैसे जैसे मैं क्लियर होता गया वैसे वैसे सारी चीजें इजी होती गई। और एक बाद में मुझे पता चला कि शब्द लोग यूज करते हैं स्ट्रगल, वो मुझे सच्ची में फील नहीं हुआ कभी। और जब मैंने छोटे होते ना एक बारी अपनी, मेरी एक डैडी जी की चाची हैं, तो चाचा जो डैडी जी के थे उनको ना बड़ा, वो रोबदार थे, थानेदार थे दिल्ली में, तो उनको थानेदारी बोलते थे, तो सभी डरते थे। अभी मैं अकेला बच्चा था जो उनके घर पे काम नहीं करता था, जाके बैठ जाता था, दिल मेरा भी धक धक करता था, इतने बड़े थे वो, है ना, उनका रोब था, मैं चुपचाप बैठ जाता था। तो मुझे चाय बना के देते, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, यार ये बंदा जिसको सारे जिसके काम करते हैं ये मुझे चाय बना के देते। और मेरी वो जो मांझी थी उन्होंने पूछा कि तू सारे काम करते हैं यहाँ आकर, तू क्यों नहीं करता? तो कहते कि अपना कुछ बनाने के लिए गुलामी करनी पड़ती है। मैं नहीं जी, मैं नहीं करूंगा। कहती तू क्या करेगा? मैं कहा मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जिसमें 1 लाख रुपया दिन का बने कम से कम, है ना, या विरला बैठा रहो। सो वो दिन आया जब मैं सच्ची में 1 लाख रुपया दिन का ले रहा था, चाहे वो रेमंड्स थी, चाहे वो बहुत सारी एड्स थी इंटरनेशनल, तो एक एक 1.5-1.5 लाख रुपया मैं दिन का ले रहा था। बाद में मैं जंगलों में चला जाता कुछ सीखने के लिए। सो बट इवेंचुअली इट वॉज समथिंग कि मुझे ना नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता था। एक टाइम ऐसा आ गया, कुछ कोई चीज आपको मिलती है ना, तो देन देयर इज ड्रग केम विद इट, अल्कोहल केम विद इट, यू नो दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स केम विद इट, नॉट वन थिंग, ऐसी एक ही चीज नहीं आती, वो अपना मेला लेके आती है, अपनी फैमिली लेके आती है, कोई भी हो। और उसमें संभालना, उसका आपका मेंटर होना या अच्छी टीम होना बहुत जरूरी होता है। मैं अकेला था, और फिर नींद की गोलियां लेनी, फिर मेरी धीरे 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 धीरे, व्हेन आई टर्न्ड इट वाज समबडी टोल्ड मी टू रीड दिस बुक कॉल्ड द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। उसके बाद जैसे ही मैंने वो पढ़ी है तो मेरा दिमाग बस खराब हो गया उसको। मैं उल्टा बोलता हूँ कि जब कहते हैं ना कि खराब हो गया, मतलब वो सही हो गया। जब बंदा अपने आप को पागल बोलना शुरू करता है ना दिल से, तो इसका मतलब थोड़ी सी तो विजडम उसमें आनी शुरू हो जाती है। सो द मंक हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी, फिर द लिविंग विद हिमालयन मास्टर, फिर मेडिटेशन इतनी बढ़ गई, धीरे 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 रैंप पे चलता था तो आंसू आ जाते थे कि दिल नहीं करता था चलने को। गांव आता था तो वो चीजें डिस्टर्ब करती थी, ग्राउंड ही खाली थी, ड्रग के बारे में सुनता था, सो दैट कॉल स्टार्ट कमिंग, यू नो, कि पहले तो मुझे, जब मैं पंजाब से गया था तो ये था कि यार अगर मुझे बॉम्बे लेके आना था तो मुझे बॉम्बे में पैदा ही क्यों नहीं किया तुमने, है ना, मैं अनपढ़ सा यहाँ पर, जिसको कपड़े नहीं पहनने आते, बोलना नहीं आता, इनकी भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आता, घर के लिए तरले करने पड़ते हर साल, तो मुझे यहीं पैदा कर देता। तो फिर नहीं मानता, तो मैं कह यार दिल्ली तो कम से कम कर देता, यहाँ आता तो भाषा तो आती होगी। सो अगर दिल्ली नहीं करना था, चंडीगढ़ ही कर देता। तो चंडीगढ़ में क्या, कम से कम मुझे भाषा आती, बोलना चालना आता, उठना बैठना आता। फिर धीरे धीरे और समझौता करता, यार चंडीगढ़ नहीं थी, जलंधर ही कर देता, शहर का तो पता चलता कि शहर में रहते कैसे। तो मैं कहा जलंधर नहीं, शाहकोट जो है मेरा छोटा सा शहर, तो वहीं कर देता। सो एक टाइम आ गया कि जैसे मुझे पता चल गया कि नहीं यार, मुझे जिस गांव में पैदा किया ना वो सही पैदा किया, और मैं वहीं पैदा होना चाहिए था, वो मेरे लिए बेस्ट जगह थी। क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि एक गांव वाला शहरी बन सकता है, शहरी कभी गांव वाला नहीं बन सकता है अगर उसने वहां बचपन नहीं गुजारा। और मैं किसी को छोटा नहीं बता रहा हूं, जब मतलब
वो एक ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आप में बचपन से भर जाता है। एंड जब आप मेरी बायोग्राफी लिख रहे थे, मैंने यही बात बोली कि यार बस दिल किया कि अभी चलूं वापस, है ना, जहां से इतना कुछ सीखा है। तो क्योंकि मैं सीखते जा रहा था ना, मुझे सीखने का शौक है, तो वहां इतना पता चल गया था मुझे। मड़ रहते रहते, मड़ मैं बॉम्बे से एक दिन गया था घूमने के लिए मड़। मड़ में मंदिर, शिव मंदिर के पास बैठा, तो एक लड़की ने बोला कि यहाँ बैठते हैं। तो जैसे ही ना बैठे, मैं कोई कविता लिखने लगा या पढ़ने लगा, तो बॉम्बे की ना बत्तियां जग पड़ी। जब मैंने देखा बॉम्बे पूरे, वहां वहां से जो लाइटें जली, तो छोटे 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 घोंधे थे, वो ऐसा लगा कि कबूतर खाना है। तो मैं बोले यार नहीं, वहां नहीं जाना है दोबारा। मतलब आई मस्ट बी लिविंग इन वन वन ऑफ दोज होल्स, है ना, छोटा सा घर है जो यहाँ से कबूतर खाना है। तो मैंने बोला कि यहाँ मुझे घुमाओ। तो उसने मड़ में घुमाया, मड़ में मैंने एक गांव देखा और मुझे प्यार ही हो गया, है ना, बहुत सुना। क्रिश्चियन गांव है वो और छोटे छोटे गांव है वहाँ। तो बीच के पास मैंने घर ले लिया, आई थिंक 2-3 दिन में, एंड आई शिफ्टेड वेरी सून। सो वहां पर मैं मोबाइल का नेटवर्क बहुत कम था, लकी था। किताबें नहीं लेके गया, टीवी नहीं लेके गया, एक बिस्तर लेके गया और बिल्कुल जो जरूरतमंद सामान था। तो फिर मैसेज इतना स्ट्रांग हो गया था कि जब मैं छत पे सोता था, मुझे वहां, मैंने पढ़ा नहीं हूं तो मुझे समझ नहीं था कि ये ज्वार भाटा क्या होता है, मतलब, है ना, मून के साथ पानी उतार चढ़ाव क्या होते हैं, सब कुछ नहीं पता था। सो धीरे धीरे आकाश वाणी को समझने लगा, धीरे धीरे पानी को समझने लगा। तो फिर आसमान में भी तारे जब वो देखता था, तो उसमें भी लिखा होता था, इंडिकेशन होती थी कि टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। सो इवेंचुअली मैं पंजाब आ गया। पंजाब आया तो मुझे पता नहीं चलता है कि अभी क्या करूं, है ना, पंजाब तो आ गया, कहाँ से स्टार्ट करूं। तो फिर से मैं ऊपर को मुंह उठा लेता हूँ कि यार बताओ अब आ गया, है ना, तो रास्ता दिखाओ। तो मैं बाहर निकला, तो कबड्डी वाला प्लेयर देखा, तो मैंने बोला अच्छा कबड्डी खेलते हैं। फिर 2-3 साल कबड्डी खेली, है ना, धीरे धीरे धीरे, कोई नहीं था। पहले टूर्नामेंट में मैंने क्वेश्चन किया था कि यार कि क्या हुआ कि टूर्नामेंट तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन 10 साल में एक भी प्लेयर क्यों नहीं पैदा हुआ गाँव में। तो उन्होंने मेरा माइक काट दिया, कोई बात नहीं। धीरे 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 अब ये हाल है कि यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं, है ना, लोगों को शक होता है कि एक गांव में इतने प्लेयर नहीं हो सकते, ये बाहर के होंगे। इसमें इस दौरान हाल ये है कि अभी घर वाले भी विरोध करते हैं कि यार कुछ काम कर लो, पैसे कमा लो, और गांव वाले भी बहुत सारे हैं, कोई बहुत सारे बच्चे भी हैं जो बुरा भी बोल देते हैं, है ना, आपने सिखाया होता, आपने उनके लिए किया होता है, और वो कुछ भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने सपने संजो लिए थे कि जो जो चीजें मुझे नहीं मिली बचपन में, जो मुझे लगता है कि आई कुड हैव बीन अ वर्ल्ड लेवल एथलीट, कि मुझे कहीं भी घूमना नहीं पड़ता, कहीं भी जाना नहीं पड़ता गाँव से, मैं यहां से जाके सारी दुनिया, यही मेरा एक वो एयरपोर्ट हो सकता था, है ना, मुझे भागने की जरूरत नहीं थी। यहाँ कुछ चीजें होती हैं अगर बचपन में, तो वो चीजें जो मुझे चाहिए थी या जो हो सकती हैं, वो पैदा करने की एक मेरा एक प्रयास है। और वो मुझे पता है कि वो, मतलब, जितनी देर नहीं होता ना, मेरा छुटकारा नहीं है। तो वो जो मेरी कमिटमेंट है अपने आप से है, किसी को नहीं पता है। बहुत सारी ऑब्स्टिकल आते हैं, है ना, सरपंच भी राजनीति करता है कई बार, बहुत सारे लड़के हैं जो, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो आपको कुछ नहीं करने देंगे, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट भी करेंगे। सबसे ज्यादा तंगी आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर मुझे लगता है कि जो ये सपना नहीं, आई डोंट
run behind my dreams. I think I am committed to the needs of human being. जो need होती है उसको अगर हमें, क्योंकि सबको नहीं दिखती, बहुत कम लोग होते हैं जिनको दिखती है. अगर आपको दिख गई है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते. जितना आप इग्नोर करेंगे उतना ही वो आपके आगे आएगी. सो जस्ट गो फॉर इट. एक जो भी आपको, जो जो अपने सपने, मतलब देख लिया कि ये सोसाइटी में होना चाहिए, वो कीजिए. और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि जो काम होते हैं, चाहे वो नीट के हों, चाहे सपनों के हों, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे कुछ भी काम हो, सच्ची में ये एक ऐसी चीज है कि जो अपने आप को व्यस्त आई थिंक रखने का जरिया है. मैं ये सोचता हूं कि अगर जैसे पूरा पंजाब है ना, या मेरा गांव है, अगर इसको दुनिया से मिटा भी दिया जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वहां इंदर बाजवा क्या है? अगर पूरी धरती से, पूरे पंजाब को ऐसे मिटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर पूरी यूनिवर्स में धरती नहीं रहेगी तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज है. जब अपने आप पे लेके आते हैं तो हम कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं. कुछ नहीं हुए, कुछ भी नहीं. सो हमें, हम सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप फोन उठाते हो ना, अपने आप से भागने का जरिया होता है. सो ये सारे के सारे हमने जरिए क्रिएट किए हुए हैं जिंदगी जीने के. अभी जिंदगी इसके पीछे होती है, जिंदगी नहीं है, ये एक बिजीनेस है, एक अपने आप से भागने का जरिया है. नहीं तो हम बैठे बैठे जिंदगी काट नहीं सकते. साधु काटते हैं ना, जिनको हम मानते हैं उन्होंने तो बैठे बैठे काटी, तो हम क्यों नहीं बैठ जाते? बैठ नहीं होता भाई, सच ये है. सो उसके लिए जो मैंने देखा है कि कब मैं खुश होता हूं, कब मेरी जो जो वर्क एथिक्स, या एथिक्स नहीं बोलूंगा मैं, कि जब मैं बहुत प्रोडक्टिव होता हूं, है ना, सो कॉल, जब मैं लोगों को काफी तंग कर लेता हूं. प्रोडक्टिव का मतलब यही हुआ शायद. सो है ना, और उसके पीछे जब मैं, जैसे अभी मैं ध्यान करता हूं, है ना, अगर मैं सुबह बैठ गया ध्यान पे एक घंटा, और दूसरा जो मैं चार हिस्सों में बांटता हूं लाइफ को, उसको मैं स्वधर्म बोलता हूं, जिसको, जिसमें सिर्फ बहुत सिंपल है, सोना, आपको खाना, खेलना और सीखना, है ना, सोना, खाना, खेलना और सीखना. मुझे लगता है कि ये हर बच्चा करता है, और हम कुछ भी कर ले, बच्चे से खुश नहीं हो सकते, बच्चे से ज्यादा खुश नहीं हो सकते. अगर हम उतना भी हो लें तो बहुत है. सो जब भी हमें लगता है कि ये वर्क की स्ट्रेस है, या रिश्तों की स्ट्रेस है, या किसी भी चीज की स्ट्रेस है, तो जितनी बार भी मैं पीछे गया हूं, तो ये चारों जो पिलर्स हैं मेरे, उनमें से कोई ना कोई डिसबैलेंस होता है ना. या तो मैं सो नहीं रहा होता हूं उन दिनों, या तो फिर मेरा खाना खराब होता है ना, मैं ज्यादा सात्विक ही खाता हूँ, तामसिक बहुत कम खाता हूँ, राजसिक भी. सो राजसिक तभी खाता हूँ, राजसिक मतलब जो राजमा है, छोले हैं, ये तो जब मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो. सो जैसे मढ़ में रहते हुए मैंने सीख लिया, तो मैं पढ़ के नहीं छोड़ता हूँ खाना कोई भी, मैं उस पर उसको भोगता हूँ, पूरा भूखता हूँ. जैसे प्याज मेरी जिंदगी से निकाला है, चाहे लहसुन अदरक ये वो, है ना, जैसे जैन करते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या क्या छोड़ते हैं, पर मैंने सारी चीजें खा के देखी फिर छोड़ के देखी. तो क्योंकि मैं गुस्सा बहुत आता है, अब भी आता है, बट जैसे ही मैं अपना खाना सही करता हूं, तो मुझे ये होता है कि खाना अगर आपने सही कर लिया, जैसे आप, अरे आपके पस पड़ गई है ना, कोई फैंसी हो गई, सो आप उसको कितना भी दबाएं वो फिर से भर जाएगी. बट अगर आप शुगर खाना छोड़ दें, जहां आप जो भी जिस वजह से हो रही है वो वजह छोड़ दें, तो आपको फिंसी होगी नहीं, है ना, पस भरेगी नहीं. सो मैंने धीरे धीरे अपने लिए
मुझे और किसी का नहीं पता, अपने लिए वो देख लिया कि मुझे किस चीज से पस भरती है ना, कब मैं फटता हूँ। सो ये चारों एस्पेक्ट मैं देखता हूँ अपने, सिंपल कि मैं सो ठीक से रहा हूँ, खाना मेरा सही है, मैं खेलता हूँ जिंदगी में कि नहीं, कि मेरी बॉडी से मैं काम लेता हूँ, है ना, खुश होता हूँ दिन में कभी, जैसे कल मैंने एक्सरसाइज के बाद डांस कर लिया ना, शर्माते शर्माते खुद से। सो और फिर आपकी लर्निंग हो रही है कि नहीं, है ना, जैसे मेरी वाइफ मुझे पोएम सिखा रही थी कैसे पढ़ते हैं, मुझे अभी तक पढ़नी नहीं आती, मैं लिख लेता हूँ, मुझे पोएम नहीं पढ़नी आती, तो मैं कल, मतलब मैं समझता था कि मुझे आती है, पर जैसे मैंने कल पढ़ा तो मुझे पता चला पहली बार कि ब्रेक इट इनटू ईच वर्ड, है ना। सो पोएम तो मुझे कल पता चला कि पोएम पढ़ते कैसे हैं, अभी उसकी प्रैक्टिस करनी है, आज मेरी क्लास है। सो सीख आप कुछ भी सकते हैं, बी क्यूरियस, क्यूरियस लाइक अ किड। सो ये चार चीजें आप लिख सकते हैं, और अगर आप देखेंगे तो हम इन्हीं में होते हैं, है ना, चाहे वो काम कर रहे हो, आजकल जो आप काम कर रहे हैं स्ट्रेस होती है, ये होता है, मुझे लगता है कि सारे दुख जो एक ही है, दुखों की खान जो होती है, हमें जब हमें परेशानी होती है, हम फिजिकली बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, हम बैठ के भी हम फिजिकली स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवरवर्क से भी हो जाते हैं, तो उसी वक्त हमें बैलेंस देखना होता है, उसी से शुरू होता है। नींद अगर आपकी सही है तो आपका गट हील होगा, अगर आपका गट हील्ड है, सो गट हील्ड है तो आपका, आप अपने आप, आपकी हाजमा सही होगा, आपकी बॉडी खेलेगी। अब अगर आप खेल रहे हैं, जो खेल से लर्निंग आएगी वो किसी किताब से नहीं आ सकती, क्योंकि खेल से आपकी फर्स्ट हैंड लर्निंग होगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि किताब पढ़नी नहीं है या वो किताबें बेकार है, बट खेल से आपकी फर्स्ट हैंड होगी, सीधा बॉडी में जाएगी, सीधा माइंड में जाएगी। सो अगर आप खेलेंगे अच्छा, ठीक है, सीखिए, उसमें से सीखा कुछ तो सेटिस्फाई होंगे, सेटिस्फाई है तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो खाना अच्छा खाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे तो अब खेलेंगे, खेलेंगे तो सीखेंगे, बस इतना ही बात है। थैंक यू। थैंक यू इंदर, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत टाइम लिया यार, मुझे लगता नहीं था। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली एक प्लेजेंट चेंज था टीम के लिए भी आपकी स्टोरी सुनना, फिजिकल मेंटल वेलबीइंग उन चीजों पे भी सुनना जरूरी भी था। और आई थिंक आपने बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे तरीकों और एग्जाम्पल से वो एक कहीं ना कहीं टच अपॉन किया टीम के लिए कि कैसे उन चीजों का ध्यान रखना है। इंदर ने अभी, इंदर एंड अंकित ऑल्सो वेंट ऑन अ साइकिल यात्रा इन द विलेजेस ऑफ पंजाब अभी थोड़े कुछ महीनों पहले। इंदर ने ऑल्सो पिछले अबाउट 2 इयर्स में उन्होंने अपने विलेज में नॉट ओनली एक कबड्डी टीम बना ली है, उन्होंने बच्चों के लिए जिम बनाया हुआ है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज के साथ। एंड ऑल्सो नाउ ही इज क्रिएटेड अ विलेज फेयर अपने गाँव में सांझ मेला के नाम से। हर साल फरवरी में होता है एंड इट इज ऑल थ्रू द कम्युनिटी दैट इट इज मूविंग। वहाँ पे वहीं पे विलेज के लोग खुद ही मिलके परफॉर्म करते हैं, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स करते हैं, और इनफैक्ट वहाँ पे खाना लंगर वो भी कम्युनिटी से ही ड्रिवन होता है। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स एंड दिस इज द वर्क दैट इंदर इज स्टिल डूइंग एंड इट्स बीन अबाउट आई थिंक 5 to 7 years इन दैट फाइव approximately ईयर मोर देन 5 ईयर्स मोर देन 5 years। या तो 5 साल से इंदर हैज बीन एट इट कंटिन्यूअसली। अंकित डेफिनेटली आई एम अज्यूमिंग इज क्लोज विटनेस टू हिज जर्नी आल्सो। सो थैंक यू इंदर। आई हैव शेयर्ड अ लिंक बीच में इफ एनीवन वांट्स टू रीड मोर अबाउट इंदर जर्नी, मैंने चैट पे शेयर किया था। किसी को कोई क्वेश्चन इंदर से कुछ भी पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें? आई थिंक मजा आया सुन के आपकी कहानी इंदर। मुझे नहीं पता था कि आप इतने रिनाउंड मॉडल थे, तो मैं थोड़ा सर्च भी किया मैंने, बट आपकी जो चार
चीजों के ऊपर आपने बताया, सोना, खाना, खेलना, सीखना, सिंपल है लेकिन बहुत क्रूशियल चीजें हैं. सो थैंक यू सो मच. धन्यवाद इतने सवेरे आप हमारे टीम के साथ अपना समय निकाला. इट वॉज रियली वंडरफुल टू हैव यू हियर इन द ग्रुप. थैंक यू सो मच. गायत्री, मैं गैस कर रहा हूँ कि जो इंदर का रूटीन है शायद ये उतना सवेरे होगा नहीं उनके लिए, मुझे लग रहा है. सत श्री अकाल इंदर भाजी. किंदा भाजी. हाँ जी. सो गाइज, आई वांट टू शेयर लाइक साइकिल यात्रा. ही मेंशनड साइकिल यात्रा तो हमने करी थी, लेकिन उसके पहले मी एंड इंदर वेंट ऑन अ बाइक ट्रिप आल्सो टुगेदर, एंड दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो both of us just decided to go for Vipassana. और I think it was those times जब ना इंदर के पास पैसे थे ना मेरे पास पैसे थे, तो कुछ I think मेरे को याद भी नहीं, कुछ 5,000 थे हमारे पास और हमको बाइक ट्रिप करना था, और हम लद्दाख में 120 किलोमीटर का बाइक ट्रिप करके आए में, which I don't think आज दोबारा चले जाएंगे, हम खुद सोचेंगे यार ये कैसे कर लिया था हमने. yeah. थैंक यू अंकित, आप ही ने करवाया था यार. थैंक यू. क्योंकि मैं कंप्लीट कर दूं इस चीज को. सो हुआ ऐसा था कि मैं दिल्ली किसी फिल्म डायरेक्टर से मिलने गया था अभी 2 साल पहले, और मैंने देखा, उनसे बात की, तो मुझे पहुंचने से पहले है ना, मैं मेंटली विपश्यना जब से किया तो मुझे ये होता है कि हर साल कर लू, है ना, जून जुलाई में. ऐसा दिमाग होता है कि जब मौसम बदलता है ना, तो मौसम के साथ हमारा, हम कनेक्टेड हैं चंद्रमा से और सूर्य से, और जब सूर्य या चंद्रमा, जब इनकी दिशा चेंज होती है तो हमारी दिशा क्या, सब कुछ चेंज हो जाता है, और हम जिस दिशा में जा रहे होते हैं हमें उसी तरफ जाना होता है. बेसिकली हम फ्लो को नहीं जान पाते क्योंकि हम कुदरत से काफी मैं जीते हैं. सो उस वक्त जैसे मैं कई बार छोड़ देता हूँ, है ना, ट्रेन में बैठा हूं तो मैं छोड़ दिया, मेरे पास मुझे याद है कि 7200 रुपीस मेरी बैंक में थे, है ना, नंबर 9. सो मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता हूँ. तो क्या हुआ कि अंकित से बात हुई, अंकित बोला विपश्यना जा रहा हूँ, यार मुझे, मैं भी चलता हूँ. तो ले का बहुत बार सुना था, तो कहता ले जा रहा हूँ, कब जा रहा है, कल ही जा रहा हूँ. तो मुझे तो फिल्म डायरेक्टर सब कुछ भूल गया मैं. तो मैं कहा यार मैं, इसने मदद की एनीवे, कटिंग टू शॉर्ट. सो मैंने ट्रेन बुक करवा दी, फ्लाइट, अभी पैसे मेरे पता नहीं 5600 की या कुछ ऐसा 5-6 हजार की टिकट आ गई, बाकी रह गया मेरे पास 1000-1500. तो उसी में मैं चला गया, मेरा दोस्त रास्ते में मिल गया, तो मैंने उसको कहानी सुनाई, उसने कुछ पैसे दे दिए, तो हम पहुंच गए. और बाद में जब खत्म होने वाले थे अंक, मैं तो बस में जाऊंगा, सो वापस जा रहा हूँ, बोला नहीं मेरे पास थोड़ी से हैं, हम बाइक पे चलते हैं. सो थैंक यू वेरी मच, आई रियली वांटेड इट बट यू मेड इट हैपन. और लगे रहो यार, बस दिल की सुनो, लगे रहो. परफेक्ट साइन ऑफ मेरे ख्याल से इंदर, एकदम साइन कर दो नीचे इंदर बाजा. इंदर आप मूवी कब आ रहे हैं, लाइक व्हाट इज द काइंड ऑफ टाइमलाइन? क्या आपने बुक और मूवी के बात किए थे कि उसका टाइमलाइंस क्या है, कब निकलने वाले हैं आपकी मूवी? अभी यार एक्चुअली वो लॉन्च करने वाले थे, अनाउंस करने वाले थे इस साल, तो अभी ये कोरोना का हो गया, मुझे जाना था बॉम्बे, लेकिन मैं बॉम्बे जाता नहीं, तो वो आएंगे यहाँ तो फाइनल करेंगे. सो मैं ही थोड़ा मेरी तरह से शायद डिले कर दूं, मैं कह नहीं यार अभी नहीं, वैसे नहीं करना है मुझे, तो आई हैव एन आइडिया, है ना, कि मुझे सिर्फ एनीवे. सो जब देखते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं. इंदर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं टीम के साथ रेड चीफ वाली वीडियो शेयर कर सकता हूँ क्या?
बिल्कुल सर, मुझे आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? नहीं ठीक है, मैं टीम के साथ तो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, दैट्स अ स्मॉल। सवाल पूछना तो पूछ लो, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ पूछना है। चलो सही है, नहीं, नहीं, अभी बस सुन रही हूँ, आपकी लाइन बहुत ही अच्छी थी। अच्छा। तो वो सोच रही हूँ बस की लाइन ऑफ द डे है, दिल की सुनो और लगे रहो, वो ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरी नाइस रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू इंदर। 30 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे कॉल इंदर, अगर आप रहना चाहें तो। अभी जैसे अंकित शेयर करेंगे कि वो पंजाब में क्या कर रहे हैं, तो आप रह सकते हैं, सुन सकते हैं, बाकी जैसे भी आपका शेड्यूल है। मैं सुनता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। अंकित, आप अपना जैसे जो भी पंजाब में अभी कोविड को लेके काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर टीम के साथ शेयर करें, बिकॉज अभी तक जो हम ऑपरेशन पे चल रहे थे, the idea is ki we move on to the next stage, thoda sa kind of states ke sath partner karna aur institutions ke sath chahe partner karna for volunteering etc. to kis tarah aapka kya experience raha hai abhi tak, and how can other states and the team also kind of learn from it? Thank you, Gautam. Thanks. I'll keep it quick, I'll not make everyone wait for more 34 minutes. I think Mahua had messaged me one day when I was looking for some help, and she came forward on her own, right? I didn't ask for it and I didn't even know what to ask for. Mahua came forward and she said, Ankit, you know, there's this correction, might be of some help, right? I realized, wow, how did this person know that I might be knowing this, right? But maybe she did not know, right? Maybe she had called forward to share, right? And I feel that's what... like to me intersection stands for, and that's what I've been trying to do in Punjab as well, ki everyone has something to offer, something to give, whether it's somebody from within the government, somebody from tumhare mere jaisa, right, jo what we are doing our small things, and how can we come together and collaborate and support each other, right? And that's always been my quest. I think that was my quest when I was trying to do the first campaign, and abhi bhi mera pura intention wahi rehta hai ki acche log khojo aur unko ek saath le aao aur fir sab cheeze ho jati hain. To aise hi ek din ye I just got a call one day ki aise karke khana baant rahe hain aur struggle ho raha hai, samajh nahi aa raha hai kaise karna hai. WhatsApp pe message padte hain, khana de aate hain, but messages jaate hain, khana dene wale log kam hain, pata nahi khana kahan se raha hai. So quite a lot of struggle. To aise theek hai, let's see what we can do. So bahut hi simple to me it was day one at intersection ki acha dekho data kahan se aa raha hai, acha dekho data chahiye kisko, acha dekho match kaise karoge in dono ko, and bas teen cheeze, look at the demand, look at the supply and match them. It was as simple as that. Now it's become more intricate, every day we keep adding features to the system. But long story short, the question is, how do you make systems work for the marginalized, right? Or vulnerable. I think everybody is just trying to maximize their own gains in that system. And that's why I won't say everybody, I would say unfortunately that happens most of the times. But how do you, make small changes or look at the leverage points and do things which can enable the systems to shift towards, in a caring and compassionate way for all. Mujhe lagta hai teen hi cheeze hain. One is tools, second is leaders, and third is stories, right? Leaders using those tools create stories which shifts the systems, and I'm very very careful about these three. So we created a system jahan pe demand supply match ho raha hai, that was a tool. I'm very clear, huh? Like if the person is not willing to take responsibility, mujhe paas time nahi hai aapke paas time dene ke liye. Sometime in a rude way I'm working on that, but I'm very clear, like the 50 people who got together to make this happen on day one,
all of them took the responsibility on their own. I didn't call anyone. They came on their own with the intention of sharing ki, what can I give here? And even right now, it's a 10-member team. Two people just joined yesterday. I could never imagine I will find Xavier's graduate, Symbiosis graduate in Jalandhar right next to my home, right? And they came, I don't know how, to volunteer with us on our team, co-team, which is the One Choco team working every day, right? So you work with leaders and stories, right? Like, and when I say stories, I don't mean media. Like, in fact, I actively discourage giving interviews. Like, if someone comes to me, I say, yeah, mere saath mere pas, I will not be able to share anything with you. But you know, people you're connecting with, right? Like, Inder's story is great. So everyone has a story. Listen to their stories. Tell them your story. And people connect over stories, right? It's very surprising, but the more people who connect the most are actually the IS officers, right? Just because this story spread, I don't know how. Some very senior IS officers called me and a lot of things going on, right? Right now, as I speak, 4 MLAs on Jalandhar are on board, right? I've never worked with politicians. I've had this very rigid image of politicians. Aise hi hote hain. But no, they're listening to stories and he had shared something with me. I felt moved. I said, ye karna hai, state level pe kar sakte hai kya? Haan, he said, karte hai. So, you know, I would have had so much struggle in reaching out to a principal secretary in Punjab. He said, main usko abhi phone lagata hun. Right? Because, you know, there was a story which brought that connection between us. Right? So that's what I do, mota mota. Now, these principles can take many forms. Right now, it has taken the form of a food relief in terms of this One Choco project. One Choco is one of the three tenets of Sikhism. Kirt karo nitnem One Choco. One Choco is sharing and eating together, which is, I believe, this is fundamentally who I am, but it's also very culturally rooted. So it takes its own life very easily. You know, it's like a plant growing in its native forest. And applied these principles for this project, it took form. And currently, I don't know, sharing might take some time, but if I share dashboard, in the last 20 days, I don't even remember the day on which we started, but in the last 20 days or so, less than 3 weeks for sure, 50,000 people have been fed ration voluntarily. But the voluntary, some bit of it is also Sarkari. But most of it, almost 30 to 40% of it is through donors, individual donors. Almost more than 50, in fact, 58,000, in fact. 58,000 people have been fed ration on that platform, or maybe I would say by using that platform, all over Jalandhar city, right? And this is across political divides, this is across age groups, this is across socioeconomic divides, like all the divides that I could think of, I tried to merge them. And the next thing that we are thinking is, Nanesh is a part of it, Tarun is a part of it. Next thing we are, Gautam, you're also there on the group. Next thing we're thinking how to take it to state level. Things move slowly and I'm okay with them. Things end also, I'm okay with them, right? Like now government has started a new helpline 1905, which will aggregate demand in its own way. So maybe our system will lose its relevance. I'm actually very happy, right? Like, you know, 10 of us got together, create this energy, it became a project. It might morph into something at state level. It might not. I'm okay with that, right? I'm trying to stay equanimous with one in whatever form it takes to however long it goes. And but the community you build in that time, right? I would always remember the first campaign and the second campaign at Intersection, right? Like my aspiration is always that, projects don't matter because results are impermanent. But what matters is the experience you created. And the experience, I'm very sure, we created in the last 3 weeks has mobilized lots of people and given them an experience of what does it feel like to rise above the occasion, to rise above yourself and just give and just serve and just connect. Ankit, I just wanted to share, like, as you said, the last one, like, it reminded
यू नो निखिल तुम्हें भी याद है कि निखिल देवगन सो सम ऑफ अस नो ही इज एट ZS Associates he was our one of our earliest volunteers jo second campaign mein kaam kiye the in fact he worked with all of us he worked with Ankit me Apurva Anurag and he's actually been a volunteer since then matlab 2015 se usne नहीं छोड़ा है एंड व्हाट्स ब्यूटीफुल इज लाइक यू सेड अंकित लाइक आई थिंक व्हाट ही रिमेंबर्स इज काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टुगेदर एंड काइंड ऑफ आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग डीब्रीफ्स एंड यू नो ही स्टिल रिमेंबर्स वेरी फॉन्डली द एंड ऑफ कैंपेन डीब्रीफ 50 ऑफ अस ऑल कूप्ड अप इन दैट स्मॉल रूम तो वो रिसेंटली आया था लाइक आई रिमेंबर आफ्टर वी स्पोक आई सेड लाइक यार निखिल आई थिंक इज अवेलेबल सो कोइंसिडेंटली ही कॉल्ड द सेम डे सेइंग कि लाइक मैं फ्री हूं कि लाइक यू नो वेयर where can I contribute? So I said, "Why this is God sent?" Because me and Ankit just spoke and we took your name, and you immediately like called afterwards. I just wanted to share that the last line you spoke, like that kind of experience came to mind. Thank you, Tarun. In fact, not just Nikhil, right? Everyone, like I mean, I can never forget how Kavi was instrumental. How everyone in that you know even how Muniraj and Sandeep came together right and Mahinder right and Rag later on but very very beautiful times right and I mean all times are beautiful it's just that all beginnings are there's something magical about all beginnings right if you take care of them you know it will have a life of its own गौतम आप कुछ कह रहे थे सॉरी आई इंटरव्यू नो नो जस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द टीम एनीवन जिसको कुछ भी पूछना हो शेयर करना अंकित आपने शेयर किया कि 50 जो लोग आए थे इनिशियली जब आपने शुरू किया था सप्लाई एंड मैचिंग सिस्टम आपने बोला अपने आप आए थे सो वो थोड़ा समझ नहीं आया अपने आप कैसे आए थोड़ा उसके बारे में बताएंगे क्या या सो अब जैसे जब काम लोगों काम ज्यादा है और लोग कम है तो लोग खुद ही बोल देते हैं ना तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स सो अब इनिशियली दो लोग तीन लोग मिलके अपना अपना कर रहे थे तो मैंने कहा डिमांड एग्रीगेट करना है तो डेटा एंट्री करनी है तो डेटा एंट्री कौन करेगा अच्छा मेरी टीम है मैं पूरी टीम ले आता हूँ अपनी है ना उनको अपना काम छोड़ा उन्होंने दो दिन डेटा एंट्री करी फिर अब गूगल पे काम करना है अगर मैं अकेले बाय द वे किसी और को गूगल फॉर्म गूगल शीट नहीं आता तो मैं कहा मैं ये सब करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा तो किसने अपने दोस्त को बुला लिया कि तू कंप्यूटर जानता है तू ये कर ले नो दिस जेनरिक टर्म फॉर एवरीथिंग टेक्नोलॉजी तो कंप्यूटर जानता है तो लाइक इतना नहीं होता है बट दैट हेल्प्ड इन द बिगनिंग ही क्रिएटेड द गूगल फॉर्म अब फिर अब क्योंकि नए सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पता लगा बैकलॉग बहुत सारा होगा अब कॉल करने हैं हेल्पलाइन चलानी है क्योंकि तभी पता लगेगा कि रियलिटी क्या है तो अब फिर बोले कैसे होगा मैंने कहा आई आज वन सीनियर पुलिस ऑफिसर की आप जिस पुलिस लाइंस करके एरिया है उसमें रहते हो तो वहाँ के सारे बच्चे बुला लो राइट तो बोला बच्चे क्यों आएंगे मैंने कहा बुलाओ तो सही एक को बुलाओ दो को बुलाओ उनसे उनको पूछते हैं उनको मैंने समझाया मैंने कहा ये कॉल्स करनी है 1000 कॉल्स खत्म करनी है दो दिन में तो अपने दोस्त लेके आओगे क्या कर रहे हो आजकल के तो बोर हो रहे हैं घर पे मैं दोस्त लेके आओगे तो 17-18 बच्चे आ गए देन रियलाइज अच्छा अभी सप्लाई करनी है तो सप्लाई कैसे होगी तो ऐसे करके और पुलिस वाले आ गए सो ऐसे करके 50 लोग इकट्ठे हो गए विद इन 2 hours राइट सो अगेन आई थिंक पीपल सीक क्लैरिटी एंड बिलोंगिंग यू ऑफर दीज दे कम थैंक यू अंकित कैन यू शेयर लिटिल बिट मोर लाइट ऑन कि अभी सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है इन टर्म्स ऑफ द फूड सिक्योरिटी कैंपेन एंड सो व्हाट इज इट दैट द टीम इज करेंटली फोकस्ड ऑन व्हाट चैलेंज आर यू ट्राइंग टू एड्रेस या आई थिंक मेजर चैलेंज तो आई थिंक एक तो ट्रांजिशन बहुत होता है मतलब अभी 3 हफ्ते में भी हम आई थिंक आई वुड से 3 या 4 बार ट्रांजिशन कर चुके हैं पहले ये जो मैंने बता रहा हूँ फर्स्ट सिस्टम था फिर इसके बाद पुलिस से ट्रांजिशन हो गया नाउ पुलिस इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व्ड
तो फिर वो नई टीम को ट्रेन किया राइट अभी फिर व्हेन वी गॉट एमएलएज ऑन बोर्ड बिकॉज दे गॉट मैक्सिमम सप्लाईज राइट सो फिर वो सप्लाई पूरा ट्रांजिशन हुआ सो आई थिंक ऑल दीज ट्रांजिशंस आर क्रिटिकल बिकॉज हमारी टीम को एडजस्ट करना पड़ता है राइट वी हैव टू एडजस्ट आवर शेड्यूल यू हैव टू रीच आउट गो इनटू अ यू नो अ न्यू ब्लैक होल एंड फिगर इट आउट सो एक तो ट्रांजिशन जैसे 1905 ऐसे नई ट्रांजिशन हो रही है हमारे लिए इट्स अ ट्रांजिशन व्हिच एक्चुअली माइट मेक अस इररिलेवेंट व्हिच इज अ ग्रेट थिंग आई फील but we have to be very careful about it nahi to you know we're talking about people going hungry so I think those transitions are critical currently I would say and I think I'm all about like creating MVPs like minimum viable products but currently they're all the Google Sheets is reaching almost 10,000 rows so so we were heavy ho raha hai wo sab ho raha hai na so now we are asked now as we are asking a question ki next level technology kya ho sakta hai so without again because technology as it becomes complicated it also becomes less user friendly so google form ko replace karna to kaise hoga so those skill sets become less available right and then all those things become hard so I think I would now if I would do this next time I would ask the technology question first right this I hadn't asked the technology question. I said, "Ho jayega," you know. But now we are realizing that we're getting constrained by technology, and there are many open source CRMs available actually, which I would have looked at earlier. I did not. And third transition, I would say is it's easier said than done, right? Like just for example, one MLA, uska lag bahut zyada aaya, and I used all the tactics I knew. I shamed him all over. I went to him. I said, "Sir." Problem kya hai, I'm happy to help you. I'll sit with your team and figure it out for you. And I do all that, right? And yesterday, one of his friends, colleagues, subordinate, I don't know. He spoke up. He said, Ankit, like, with all due respect, you're increasing our work, right? And I said, why would I increase your work, right? I'm coming to you every day and I'm sorting your things out, right? Why? How am I increasing your work? He said, the demand is more than the supply. Right, like he's like basic resource constraint में जी रहे हैं और basic scarcity mind approach है क्योंकि उनके यहाँ पे migrants ज़्यादा हैं और जो government supply आ रही है वो कम है, right and the relationship is such कि वो you know how the structures are so convoluted कि वो ज़्यादा supply मांग नहीं सकते वो ज़्यादा मांगेगा तो और दूसरे MLA से कम करेंगे तो वो इस MLA से relationship ख़राब होगा etc. I don't know it's quite a convoluted thing I didn't go into details but I realized yes मतलब डिजाइन लेवल पे स्केर्सिटी है तो मैं और कितना ही कर लूंगा इसमें राइट सो आई वेंट टू द आईस ऑफ सेट यार ये तो रियल प्रॉब्लम है ना कि वहाँ पे एक्चुअली डेटा बता रहा है कि डिमांड ज्यादा है व्हाट डू वी डू अबाउट इट सो आई हैव टू सॉर्ट दैट टुडे राइट नाउ ही सेड दैट आफ्टर लाइक 5-6 डेज टू मी राइट आफ्टर 5-6 डेज ऑफ मी कॉन्स्टेंटली नैगिंग हिम सर कर नहीं रहे हो आप कर नहीं रहे हो माई अजम्पशन वॉज MLA है करना नहीं चाहता राइट और but when I would go to him I said he's an earnest fellow why would he do that right and especially to people you know he works for right nobody would do that and I think yeah, I don't know what where was the gap that 5 days I couldn't sense it myself of course data aane mein time laga to before we could start talking data right so I think how do you get to the truth of the matter as soon as possible right is the question I'm asking myself I made that mistake last 5 days many people went hungry because I made that mistake right so how do you get to the truth of the matter as soon as possible and we're all with the intention of you know doing our best so that's where I am I think these 2-3 things we were thinking yesterday only in the call yeah hi Ankit I'm Anjan I had one thing I wanted to ask you feel it's a little it's not specific to what you had shared right now I just wanted to get your view on something if you feel you don't want to respond to it that's fine too अभी मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स वेयर यू आर फोकस्ड इन ऑन पंजाब हैज क्वाइट अ बिग चैलेंज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड द सीएम हैज आल्सो रिपीटेडली आस्क्ड द सेंटर कि भाई सेंड मोर फंड्स आवर वे वी आर स्ट्रगलिंग इन फैक्ट यस्टरडे ही हैड आल्सो सेंट इन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम व्हाट आई रेड टू द पीएम सेंटर आस्किंग देम इफ दे कैन ओपन अप लिकर वेंस in the state so that they could mop up some excise duty because of the sale of alcohol considering your work over there on ground and
you have a ringside view of you know, the troubles or the issue the state is going through because of this specific thing as well, because liquor abuse, bahut hai, a lot of young kids are hooked on to it. What do you feel about the dichotomy of, you know, trying to mop up revenue from the sale of liquor, which would go towards welfare, as opposed to also all the other troubles that may stem up because of the sale of liquor? Just wanted to get your view on that. You're asking my view? I mean, I would never talk about consuming, selling, purchasing, or any kind of transaction on any intoxicant, right? It's very unfortunate that we have built an economy around, you know, okay, some people will, you know, kill themselves or hurt themselves, or and then others will get to benefit from that. I mean, I don't know what kind of economy this is. We'll get there. 20 years, we'll get there. We'll solve this. Thanks, Uncle. I guess, Ankit, like, you know, alag alag states mein, there are different levels of efforts happening. Jaise Kerala mein Meenu is in Ernakulam district supporting senior citizens in hotspots through a helpline. Madri's team in Chhattisgarh is running a migrant helpline. So I guess an open question is, like, you know, what, how could the network be of support to kind of the Punjab campaign? Yeah. Yeah, I think that's why I called you, Tarun. I think Intersection has got a lot of knowledge and expertise right now. Like, I mean, I tell my friends, right? I'm 5 years old now. Like, the last time I did kind of governance work was long ago, and I believe each of you on this call probably knows better than me, right? So definitely, I think government works with its own ways. That's why I felt going through MLAs is better than going through ICE officers. But as soon as there's a go-ahead, Tarun, I think Nanish is already there. I am not getting a go-ahead so far. I'm trying to socialize the idea. But as soon as I get a go-ahead, I'm hoping, you know, we'll get to work together and everyone here will get to contribute in some way. Look forward, Ankit. Yeah. Yeah. We'll keep track. Yeah. Any assistance in technology? I think very gratefully, I think people are coming on board. Like, suddenly, like, you know, hame technology wala chahiye tha, toh, I don't know how, like, one person just landed up, right, on the call, right, saying, you know, okay, and he knows more than I could ever imagine. Somebody in Jalandhar, I'll find. Next day, we said, hame koi storyteller chahiye hoga abhi, because we've reached that stage. So, next day, another storyteller landed up in the call. So, it's been very grateful. I could never imagine people like that in Jalandhar. So, but Bhargavi, I will definitely connect Himanshu to you in case he's struggling. Thank you for your help. I think that's the power, right? I would just say that if you just look at the whole system wide, look at what where the system is and what's your view of the system, and then you take your time in navigating it, right? Don't hurry too much, don't push too much, right? Sense the system, respond appropriately, right? Don't try to predict, but forecast the possible scenarios, right? It's a very different, I've learned at least, a very different kind of mind, right? It's not the cognitive mind, it's something beyond cognition. And So I think this is the work all of us do, right? Like, all of us are leading different state initiatives in our own way. And we have one view of the system. I think there are many, many views the system can have. And there can be many, many waypoints to get to the leverage points in that system. And but I believe, like, I fundamentally believe that the three things remain the same, like the tools, leaders, and stories. And how can you, what forms it can take is then the next question.
Thanks, Ankit. Any last question? Thanks, Ankit. Thanks a lot for sharing this. And but I'll just take 5 more minutes. Nenish, are you there? Yeah, Gautam.